राजा भैया राजनीति के गोल्ड पर निशाना लगाने के लिए नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनकी छोटी प्यारी सी बेटी राघवी कुमारी ने पिछले महीने गोल्ड पर निशाना लगाया है। आपको बता दें कि 41वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राजा भैया की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। राघवी कुमारी ने ये गोल्ड मेडल डबल ट्रैप शॉट गन में सबसे ज़्यादा अंक लेकर जीता है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 200 शूटर शामिल हुए हैं। रघुराज प्रताप सिंह का परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है। उनकी बड़ी बेटी का नाम राघवी कुमारी उर्फ प्रिंसी सिंह है। राजा भैया की पत्नी का नाम भवानी कुमारी सिंह है। भवानी प्रॉपर्टी का काम संभालती है। 2013 में 80,000 की पिस्तल रखने के मामले में वो सुर्खियों में आई थी। कुंडा में राजा भैया तूफान सिंह के नाम से मशहूर है। आपको बता दें कि राजा भैया के परिवार के लोगों के पास कितना पैसा है। जी हाँ, रघुराज प्रताप सिंह के 4 बच्चे हैं। राघवी कुमारी उनकी सबसे बड़ी बेटी है। उनकी दूसरी बेटी का नाम विजय राजेश्वरी है। बेटों का नाम शिवराज और ब्रिजराज है। 2017 के इलेक्शन में दाखिल किए गए हलफनामे में राजा भैया ने 14 करोड़ की संपत्ति दिखाई थी। बड़ी बेटी राघवी के नाम 26 लाख की संपत्ति थी। छोटी बेटी विजय राजेश्वरी के नाम लगभग 17 लाख रुपए की संपत्ति थी। बड़े बेटे शिवराज प्रताप के नाम कुल 6.6 लाख रुपए की संपत्ति थी। छोटे बेटे ब्रिजराज के नाम 54.7 लाख रुपए की संपत्ति थी। आपको बता दें कि अलीगढ़ की शूटिंग रेंज में जब राघवी निशाना लगा रही थी, हर कोई उनकी निशानेबाजी की तारीफ कर रहा था। राघवी के पिता राजा भैया को भी निशानेबाजी और शिकार खेलने का शौक रखते हैं। यहाँ तक कि राजा भैया अपना प्राइवेट प्लान भी उड़ा लेते हैं। राघवी कुमारी ने डबल ट्रैप की जूनियर महिला वर्ग में अचूक निशाना लगाते हुए सफलता हासिल की। राघवी ने दिल्ली के करना शूटिंग रेंज में भी अभ्यास किया है। राजा भैया के राजदुलारी ने शूटिंग में गोल्ड जीत कर प्रतापगढ़ समेत अपने पूरे खानदान का नाम ऊंचा किया है। राघवी के गोल्ड मेडल जीतने के बाद लखनऊ और उसके आसपास की बच्चियों का भी मनोबल बढ़ेगा। अलीगढ़ की शूटिंग रेंज में यूपी के तमाम जिलों से निशानेबाज प्रतियोगिता में शामिल होने आते हैं। खिलाड़ियों ने सरकार से उम्मीद जताई है कि सरकार इस क्षेत्र स्थित शूटिंग रेंज को और सुविधाजनक बनाने की मांग की जा रही है। यहां 50 मीटर राइफल और 25 मीटर इंडोर शूटिंग रेंज बनवाने के लिए निशानेबाजों ने सरकार से अपील की है। राजा भैया उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और जनसत्ता नाम से पार्टी बनाकर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। अगर राजा भैया 2019 लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो राजा भैया का केंद्रीय मंत्री बनना तय है। राजा भैया अखिलेश की सरकार में कारगर मंत्री भी रह चुके हैं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।